Assalamu alaikum viewers, what's going on? This is me, Humayz Ali, and welcome back to my channel, In-Depth Reviews. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मोबाइल की जो कि पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हुआ है और पाकिस्तान की ही कंपनी है, उसका नाम है टेक्नो। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा आज हम बात करेंगे टेक्नो कैमन i4 की, जो कि कल की डेट में लॉन्च कर दिया गया था। ऑल ओवर द पाकिस्तान आप लोगों को ये सेल फोन बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा आप लोगों की मार्केट्स में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अपने अगर ले रहे हैं तो आप लोगों के पैसे ज़ाया ना जाएँ। क्या वाकई ये वैल्यूएबल है मनी के लिहाज से, क्या इस प्राइस के अंदर क्या वो चीज़ें प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और इसके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं वो भी मैं आगे जाकर आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूं। तो आज इसका रिव्यू करेंगे कैमन i4 का, तो बगैर टाइम जाए कि ये करिए फिर शुरुआत। अब दोस्तों कैमन i4 जो है वो आप लोगों को 21,000 के प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, और मेरे लिहाज से अगर मैं बात करूँ इस सेल फोन की, तो ये 21,000 में आप लोगों को एक समझ लें कि ऐसा मोबाइल दिया जा रहा है जिसके अंदर आप लोगों को तमाम वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक सेल फोन के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप लोगों के फ्रंट पर भी जो है वो सेल्फी कैमराज काफ़ी अच्छा है, आप लोगों के डिस्प्ले भी जो है वो वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, आप लोगों को बैक पर भी जो है वो शाइनी डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है ग्लास के टच के साथ, और उसी के साथ साथ आप लोगों के अंदर जो है वो मतलब उसके जो चिपसेट है और उसके जो हार्डवेयर है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है। तो मतलब 21,000 के अंदर आप लोगों को काफ़ी एक अच्छा मोबाइल प्रोवाइड किया जा रहा है पाकिस्तान में ही। अब वेल सबसे पहली बात कि ये सेल फोन जो है वो इतना सस्ता क्यों है, इसकी चीज़ों के लिहाज से दूसरे सेल फोन अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि ये सेल फोन पाकिस्तान की कंपनी है और ये पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुआ है, इसी वजह से इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो बाहर से आने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह टैक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। इसलिए आप लोगों को ये सेल फोन जो है वो एक अच्छे प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ों के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा एक नेगेटिव पॉइंट की भी, वो इसके चिपसेट के बारे में है। तो वेल सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। 6.2 इंचेस की आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 720p उसकी रेजोल्यूशन है, और आप लोगों को जो है वो 21,000 में वाटर ड्रॉप जो है वो डिस्प्ले देखने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। अब इसका जो कंपटीटर है वो है गैलेक्सी A10, क्योंकि वो भी तकरीबन 21,000 की रेंज में है। तो अगर आप लोग उसके साथ कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं कंपैरिजन बना दूंगा। वेल इसके मोबाइल की बात करते हैं, 720p रेजोल्यूशन है, उसी के साथ साथ आप लोगों को IPS डिस्प्ले जो है वो प्रोवाइड की गई, यहाँ पर सुपर एमोलेड प्रोवाइड नहीं की गई। ऑब्वियसली जो आप लोगों को 21,000 में अब चीज़ें तो प्रोवाइड की गई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की गई। तो अगर बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो बैक पर आप लोगों को जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और बैक भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक ग्लॉसरी लुक प्रोवाइड करती है, मतलब एक शाइनी लुक जो कि आप लोगों को नॉर्मली हुआवी के या ओप्पो के सेलफोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। कैमराज की बात कर लूँ तो 13 मेगापिक्सल का आप लोगों का मेन कैमरा है, प्लस 8 मेगापिक्सल का आप लोगों का वाइड एंगल कैमरा है, और प्लस 2 मेगापिक्सल का आप लोगों का डेप्थ सेंसर कैमरा है। अब अगर कैमराज की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को यहाँ पर कैमराज की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ अगर फ्रंट कैमरा की बात कर लूँ तो वहाँ पर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों की काफ़ी अच्छी सेल्फी प्रोवाइड कर देगा ऐसा सुनने में आ रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को सेल्फीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी टेक्नो कैमन i4 के अंदर। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसकी जो है वो मेन चीज़ की, तो वो है इसका चिपसेट। यहाँ पर जो है वो इसका चिपसेट मीडियाटेक का लगाया गया है, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर जो है वो टेक्नो थोड़ी सी कमी कर गया है, लाइक आप कह लें कि थोड़ी सी चवल मार दी है टेक्नो ने कि यहाँ पर मीडियाटेक का जो है वो आप लोगों को चिपसेट प्रोवाइड किया है। उसके साथ अगर दूसरे सेल फोन की बात करूँ तो वो आप लोगों को ऑक्टाकोर प्रोसेसर दे देते हैं, अगर वो चिपसेट कम भी डाल दें तो कम्बिनेशन अच्छा बन जाता है और आप लोगों को स्पीडिंग का मसला नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्वाड कोर प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोसेसर, और मीडियाटेक की जो है वो चिपसेट है, तो आप लोगों के लिए सेल फोन ये अच्छा तो रहेगा, लेकिन आप लोग अगर गेमिंग के लिए सेल फोन को बाय कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर पबजी चला लेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग लो रेजोल्यूशन के ऊपर भी पबजी इसके अंदर नहीं चला सकेंगे, चल जाएगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लैग होगी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आएगा, क्योंकि आजकल हर एक का दिल करता है कि हम पबजी वाला मोबाइल लें जिसके ऊपर पबजी चल जाए और उसकी जो है वो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो। तो 21,000 में पबजी नहीं चलेगी, मैं आप लोगों को पहले भी बता दूँ, अगर आप लोग ये सोच कर ले रहे हैं तो इसको मत लेना। नेक्स्ट बात कि आप लोगों को इसके अंदर 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब 21,000 की रेंज के अंदर आप लोगों को 3 GB वाला वेरिएंट किसी सेल फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, 1.5 GB या 2 GB रैम आप लोगों को देखने को मिलती है। 10 की भी बात करूँ तो 2 GB रैम है। तो उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की एक और बड़ी बात,
तो 3400 mAh की बैटरी भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को 3400 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है और एक अच्छा एक सेल फोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जो बड़ी मेन बात होगी कि लोग अब नई कंपनी है तो लोग ज़रा ट्रस्ट करने में डरेंगे कि सेल फोन कब तक चलेगा, सेल फोन ख़राब ना निकल आए या इस तरह की बात होगी। तो वह मैं आप लोगों को बता दूँ कि दूसरी कंपनीज भी ऐसी हैं, आप लोग इसको भी जो है वो बाय करें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज आएंगी वो अपना मैन्युफैक्चर बनाएं और आप लोगों को जो है वो आगे सेल फोन्स की प्राइस जो है वो डाउन देखने को मिले और उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलें। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने डेली यूज़ के लिए कैमन i4 बाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सेल फोन रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन गेमिंग के लिए ये सेल फोन बिल्कुल नहीं बना, गेमिंग के लिए इसको बाय ना करना। मैं फिर बता रहा हूँ, गेमिंग के लिए ये सेल फोन नहीं है। डेली यूज़ के लिए आप लोग सोशल मीडिया या और एप्लीकेशन चलाएं उसके लिए आप लोग कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गेमिंग के लिए ये सेल फोन नहीं बना। इसके साथ साथ अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एंड्रॉयड पाई भी देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को हर नई सी नई चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। मतलब आप लोगों को किसी दूसरे सेल फोन की तरह अभी जो है वो क्या नाम लेते हैं नौकर नहीं प्रोवाइड किया गया, एंड्रॉयड पाई जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो 21,000 में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। 3400 mAh की बैटरी, 3 GB RAM, 32 GB बिल्ट इन, ट्रिपल कैमरा, 16 MP का जो है वो फ्रंट कैमरा और 6.2 इंच की डिस्प्ले, तो मतलब और क्या चाहिए आप लोगों को 21,000 में। तो अगर आप लोगों के माइंड में किसी भी कॉम्पिटिटर का नाम हो जो सेल फोन आप लोग इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए जो है वो कंपैरिजन बनाऊंगा ताकि आप लोग अपना माइंड क्लियर कर सकें कौन सा सेल फोन हमारे लिए बेस्ट है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि 21,000 का धमाका आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो लास्ट तक देखने का शुक्रिया, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।